Okay.
सत्संग हाल के अंदर कथा का आयोजन किया गया है। ये कथा जो है नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर वर्ष होती है, वर्षों से ये हो रही है। रामनवमी की कथा है, राम जी का उत्सव जो है वो जन्म उत्सव जो है वो 21 को है। 21 को राम जी का जन्म उत्सव, प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव यहाँ गीता भवन के परिसर के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसलिए मैं सभी पुंछवासियों से कहूँगा कि उस दिन भी दिन का कार्यक्रम रहेगा, 21 को 3 से लेकर 5 तक यहाँ कार्यक्रम रहेगा इस गीता भवन के सत्संग हाल के अंदर। तो उस दिन भी सभी लोग आएँ, और ये जो शेष दिन बचे हुए हैं इनमें भी मैं सभी पुंछवासियों से ये निवेदन करूँगा, आएँ आप, कथा सुने, कथा का लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने, और कृष्ण भगवान जी के यहाँ गीता भवन में आके उनके चरणों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे बड़ा कार्य और कोई हो नहीं सकता। अगर आपने नवरात्रे रखे हैं तो नवरात्रे रख के, व्रत रख के आप अपने घर में बैठ गए हैं, उसका फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। उसका फल की प्राप्ति तभी होगी कि आप कथा श्रवण करें आके। इसलिए ये कथा यहाँ पे रखवाई गई है, आप गीता भवन में आके इस कथा का श्रवण करें, कथा सुनेंगे, प्रभु आशीर्वाद आपको देंगे, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म के अंदर सत्य है, हमेशा सत्य की जीत होती है, जहां सत्य होता है वहीं जो है सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं सभी पुंछवासियों से ये बात कहूंगा कि वो आए, ये जो शेष दिन बचे हैं, पंडित जी बड़ी प्यारी कथा करते हैं, बड़े अच्छे प्रवचन हैं इनके, यहाँ पे आए, भजन सुने, पंडित जी का प्रवचन सुने, कथा सुने, और प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी के, प्रभु श्री राम जी के यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने आप को धन्य पाएं। धन्यवाद।